हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं आज का डिवाइन संदेश क्या है आपके लिए। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं आज के दिन में। इस शफल डेक से हम लेंगे सिर्फ एक कार्ड और कार्ड आया है द बैटल वैगन का। चैरियट एनर्जी है। आपको ये कहा जा रहा है कि आपके लाइफ में जैसे भी सिचुएशंस चल रहे हैं, बजाय होपलेस होने के, बजाय नेगेटिव होने के, ओवर थिंक करने के, अपने सिचुएशंस में अवसर तलाशा कीजिए। और ये तब होगा जब आप अंदर से पॉजिटिव बनेंगे। किसी भी सिचुएशन को ये नहीं देखना है कि हम इसमें हार गए, अब आगे कुछ नहीं होगा, घबराहट हो रही है, पैनिक करते जा रहे हैं आप बार बार। आपको अंदर से, मतलब बोलते ना, सारी उम्मीदें ही खत्म हो गई। देखिए, कोई भी सिचुएशन किसी भी लाइफ के एरिया में फेल होने का मतलब ये कभी भी नहीं होता है कि आगे जिंदगी में सारी पॉसिबिलिटीज खत्म हो गई। मन को मजबूत बनाने की जरूरत है। अगर संघर्ष आपसे जुड़ा हुआ है, कर्म आपके हैं, आप एक इंडिविजुअल सोल हैं, ठीक है, आपके अपने कर्म हैं, आपका अपना दायित्व है, तो आपकी सोल जर्नी तो खत्म हुई नहीं, और ये तो तब तक चलेगी जब तक आप हैं। तो खुद पर ध्यान दिया कीजिए। किसी भी सिचुएशन की वजह से, कोई भी सिचुएशन अच्छी या बुरी, धूप और छांव के जैसी है। आज अच्छी है तो कल खराब है, लेकिन हर बार की तरह वो सिचुएशन भी कुछ टाइम फ्रेम के बाद चेंज हो जाती है, चाहे वो कितना ही अच्छा समय हो, चाहे वो कितना ही बुरा टाइम हो। ठीक है, जीतता वही है जिसके अंदर हौसला होता है, जिसके अंदर पॉजिटिविटी होती है। तो अपने हौसलों को बुलंद रखिए, क्योंकि हौसले जब तक बुलंद नहीं होंगे ना, तब तक आप चीजों को पॉजिटिवली देख ही नहीं पाएंगे, और हर उस सिचुएशन में, लाइफ के हर उस हिस्से में आप हार जाएंगे जहां पर आप जीतने भी वाले होंगे। ठीक है, और जब आपको लगे कि आप हार रहे हैं, अब आपके लिए, आपके साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो उन लोगों के ऊपर जरा दृष्टि डालिए जो आपसे भी ज्यादा डिफिकल्ट टाइम्स को फेस कर रहे हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, और ये देखिए कि उनके चेहरे की चमक अभी तक गई नहीं है, कितने पॉजिटिव हैं, जिंदगी जीना जानते हैं, मेहनत करना जानते हैं, और लगे हैं अपने आप को उस अवस्था से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि प्रयास करना अनिवार्य है। आपके हाथ में आपका कर्म है, आपके हाथ में आपके एफर्ट्स हैं, आपकी प्रैक्टिसेस हैं, जो जैसा आप करेंगे वैसा आपको मिलेगा। तो आपको हर एक चीज में जीत की दृष्टि से उसे देखना है। कोई भी अपॉर्चुनिटी आई, बिना पैनिक किए ये सोचा कीजिए कि मुझे इसमें जीतना है। रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन आप अपनी तरफ से कमी नहीं करेंगे, ना एफर्ट्स में, ना मेहनत में, ना समय देने में। मतलब दिल से जो कोशिश की जाती है ना, उसको उसके अंत तक पहुंचा दीजिए, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, चाहे वो आपकी हेल्थ है, चाहे वो करियर है, क्योंकि मनुष्य के योग बल पे बहुत कुछ निर्धारित होता है। जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ किया है ना, वो ये बोलते हैं कि वो मानते ही नहीं है कि ईश्वर जैसा कुछ होता है, वो डेस्टिनी पे यकीन ही नहीं करते, वो मेहनत पे करते हैं। हाँ, उधर बैलेंस नहीं है, आप प्रैक्टिकलिटी और स्पिरिचुअलिटी में बैलेंस नहीं कर पाए, लेकिन अगर इसमें हम ब्लेंड करते, बहुत प्रैक्टिकल इंसान में स्पिरिचुअलिटी के साथ अगर वो ब्लेंड हो जाए, उसकी एनर्जी, उसका जो थॉट प्रोसेस है, तो कमाल का कॉम्बिनेशन बनेगा। ऐसा इंसान जो जानता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब क्या करना है, किस तरीके से जुड़े रहना है खुद की आत्मा से, खुद की स्पिरिट से कनेक्ट रहना है, और प्रैक्टिकल होकर लाइफ को किस तरीके से दिशा देनी है। ठीक है, तो हमेशा हारने से पहले ये सोचा कीजिए, इसमें मुझे जीत मिल जाएगी, विक्ट्री मिलेगी। अपना माइंडसेट ही इतना पॉजिटिव बना लो, और ऐसा भी नहीं कि एक दिन पॉजिटिव बना लिया, बाद में आपके माइंडसेट का पता ही नहीं, धज्जियां उड़ गई उसकी, आप इतने नेगेटिव होते चले गए। इतना पॉजिटिव बना लो कि आप कुआ खोद के ही मानेंगे, आप मेहनत करके ही मानेंगे, और इतनी शिद्दत से मेहनत करेंगे, जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, अपॉर्चुनिटी दी है, छोटी से ही और बड़ी से बड़ी से ही। हमेशा ध्यान रखिए, छोटी अपॉर्चुनिटी है तो बड़ी भी मिलेगी। पहले ही बड़ी मिल जाए और आप छोटी का लाभ नहीं उठा पाएंगे, तो आप बड़े बन ही नहीं सकते। ठीक है, तो खूब मेहनत करनी है, जोश के साथ, होश के साथ काम करना है,
और जो रेस्ट है वो परमात्मा को सरेंडर करना है, क्योंकि हमने यही सीखा है कि मेहनत करनी है, कर्म करना है सबसे श्रेष्ठ, और फल की इच्छा नहीं करनी है। ज्यादातर लोग इस लाइफ टाइम में कर्म के लिए परेशान नहीं है, फल के लिए परेशान है। अब कर्म ही नहीं होगा तो फल कैसे जनरेट होगा? आपने जमीन में बीज बोया ही नहीं, आपको सक्सेस कैसे मिलेगी? आपको वो पेड़ कैसे खुद अपना नजर आएगा जिस पे फल लगेंगे, और वो गिरेगा तो आपको मिलेगा, पककर गिरेगा तो आपको मिलेगा, आप उसका उपभोग करेंगे। लेकिन जब कर्म होगा ना, तो आप हर एक चीज के लिए वो चीज आपके हक में आ जाएगी। कब होगा, कैसे होगा, ये छोड़ दीजिए, आपके पास है प्रेजेंट, उसमें खूब मेहनत कीजिए और फ्यूचर आप वही क्रिएट कर जाएंगे जो आप चाह रहे थे। ठीक है, तो ये आज का डिवाइन संदेश आपके लिए निकल के आया है। सो गाइज, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।